जी, बहुत सारे रूप में आपको हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस रूप में आज पहली बार देखा, लोगों के आंसू निकल गए। कैसा प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पूरे फिल्म देख रहे? देखिए प्रतिक्रिया, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि पूरी फिल्म आप लोगों ने मेरी जिंदगी में पहली बार बैठ के देखा है। उठा नहीं, इंटरवल भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं उठा। दो बार कट भी हुआ था फिर भी नहीं उठा। तो मैं प्रतिक्रिया दूँ, इससे बेहतर है कि आप लोग का उस थिएटर में उपस्थिति या आप लोग का सिनेमा को इतनी शिद्दत के साथ देखना, इससे बड़ी प्रतिक्रिया। एक मैं कलाकार, इस फिल्म का एक पात्र हूँ मैं क्या दे सकता हूँ, मैंने तो इसमें काम किया है। प्रतिक्रिया आप लोगों ने दे दिया कि ये फिल्म है ऐसी जो मीडिया वाले, अमूमन होता क्या है मेरे अभी तक के लाइफ में कि मीडिया वाले आते हैं और भग जाते हैं, इंटरवल में इंटरव्यू वगैरह ले लिए और निकल लिए, तो ऐसा इसमें नहीं हुआ। ये एक शुभ संदेश है जो सिनेमा इंडस्ट्री में, कि सिनेमा बनाओ तो मीडिया वाले भी बैठ के देखते हैं। पहली बार देखा ये जो बोल रहा है, पहली बार देखा शिवा, ये तो 2 मिनट ना रुके किसी सिनेमा हॉल में, भाग लेता है। अच्छा, रो भी दिया, बताइए। अब मैं प्रतिक्रिया क्या दूं? अब प्रतिक्रिया तो आप लोगों ने दे दिया, मेरे से कुछ पूछिए सिनेमा से। हर प्रोड्यूसर आजकल लालची हो गया है कि फिल्म बनने से पहले सोचता मेरा बिजनेस हो जाए। आप एक नेत्रदान को लेकर सिनेमा को सिनेमा बनाया है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना अच्छा बजट का फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिलेगा? दर्शक आज काफी लोगों ने तारीफ किया, कैसा है कि इस तरह की फिल्म का जब प्रोड्यूसर ने सुनाया आपको, तो कुछ कहना चाहेंगे कोई बात है? प्रोड्यूसर मेरे पास एज एन एक्टर के साथ साथ वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट करो आप, क्योंकि इसके पहले मेरी बाबुल आई थी और बाबुल कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस में बिकी थी, उसके पहले मेरी जुगनू। तो शायद उनके अंदर उनके खुद के प्रति कॉन्फिडेंस की कमी होगी या मेरे प्रति कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। जब वो आए थे तो जब उन्होंने नरेट करा तो मैंने बोला कि जिस तरह का नरेशन आप कर रहे हैं मेरे से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप बनाएंगे, और उन्होंने बनाया है। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं मधुसूदन शर्मा जी का, जिन्होंने लिखा। वो एक बहुत ही उम्दा राइटर परिवार के वो खुद भी हैं, इतने साल उन्होंने सिनेमा में दिया है, FTII से पास आउट है, गुलजार साहब के पास उन्होंने इतना वक्त बिताया। तो जितनी गुणवत्ता अनुभव के साथ साथ उन्होंने हासिल किया, उसको अपनी पहली संपूर्ण फिल्म जिसको कह सकते हैं, इसके पहले उनका जो पार्ट था बीइंग ए प्रोड्यूसर्स बीइंग ए राइटर, कई फिल्में उन्होंने दी होंगी, लेकिन एक डायरेक्टर, एक राइटर और एक पूरी तरह संचालक के स्तर पर उन्होंने इस सिनेमा में जो अपना वक्त दिया है, जो योगदान दिया है, जो अपनी सूझबूझ दी है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। मैं उनको उनका एक चीज़ का बड़ा फ़ैन था, जो शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने दीवानगी सिनेमा के प्रति इस इंडस्ट्री में 2 इंसानों में देखी। सर्वप्रथम मैं खुद में देखी, मेरे लिए दूसरा प्यार नहीं है सिनेमा के अलावा। मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा खुशनसीब नहीं है कोई जो सिनेमा इंडस्ट्री ईश्वर ने दिया है। तो पागलपन है मेरे में, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा पागल देखा वो मधुसूदन शर्मा जी को। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव और आप सबको मेरा नमस्कार है। मुझे लगता है कि जो आज का भोजपुरी जो दौर चल रहा है, जो एक परफेक्ट फिल्में हैं, इससे पहले भी 2-3 फिल्में बनी हैं जो आप मल्टीप्लेक्स में जिसको देख सकते हैं। जैसा आपने कहा इस फिल्म को कितने स्टार दोगे, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को 10 में से 10 स्टार देना चाहिए। जो एक कहानी है एक दादा और एक पोते की, क्योंकि मैं पहले तो जितने भी इसकी टीम है माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया फिल्म देखने में, लेकिन जहाँ से मैंने फिल्म देखी बहुत इमोशनल मुझे लगा। और इस फिल्म में जैसे बच्चे ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। अवधेश सर तो है ही, इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, और बहुत शानदार कहानी है इसकी। इस फिल्म में सिर्फ एक ही तारीफ नहीं की जाएगी, मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो म्यूज़िक से लेकर, कास्ट से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर, सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के मेकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट चुना, इस तरह की फिल्में बनाई। और आई विश कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में लगे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू सर।
पहले नेगेटिव पे फिर पॉजिटिव हो गए और फिल्म में जिस तरह इस तरह का जो फिल्म आप लोगों ने जो बनाया है अभिनय किया क्या भोजपुरी में इस तरह का फिल्म लेके आप दर्शकों को बिल्कुल पहुंच पाएंगे और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसी तरह की अच्छी फिल्म लेकर दर्शकों तक पहुंचे। तो इस तरह का जो अभी नया ट्रेंड देखने को मिला इस फिल्म में, तो इस तरह का फिल्म कैसे बनना चाहिए, पहले नहीं बनता था, इसका वजह क्या है और अब भी बनना शुरू हुआ तो इसका वजह क्या है आपकी नजरिए से? नहीं, पहले बनती थी, शुरुआती दौर में जो भोजपुरी जब पहले जो बनती थी, जब नासिर हुसैन साहब या फिर उसके बाद सुजीत कुमार, राकेश पांडे, कुणाल भैया, वहाँ तक फिल्में अच्छी बनती थी, लोग थिएटर में आते थे। मुझे आज भी याद है कि कुणाल भैया की फिल्म देखने के लिए औरतें आती थी, रात भर जागती थी पटना में और फिर सुबह वो लोग टिकट कटा कर फिल्म देखती थी। फिर बीच में ये दौर ख़त्म हो गया, चूँकि अब उसको कुछ भी बोल सकते हैं, फिल्मों में अश्लीलता हो गई या जो भी हो गया, फैमिली दूर हो गई। लेकिन अब हम लोगों की यही कोशिश है कि फैमिली को फिर थिएटर तक लेकर आए, फैमिली अच्छी फिल्में देखे, बस यही कोशिश है। तो सर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आपका ये फिल्म का थ्रू क्या मैसेज देने को कोशिश की आप लोगों ने और अभी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं बस दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की फिल्में जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बना रहे, तो वो लोग मतलब ऐसी फिल्में देखें और हमें प्रोत्साहित करें कि हम ऐसी फिल्में आगे भी बना सके। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को आपने देखा, पांच में से कितना स्टार देना चाहेंगे? पांच में से पांच स्टार, ऐसी फिल्में ही भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाएंगी। और इतना मार्मिक फिल्म था कि कई बार आंखों में आंसू आ गए और जो एक्टिंग है दादा और पोते की, कमाल की। ऐसी फिल्में जब बनेंगी तभी भोजपुरी का सम्मान बढ़ेगा। क्या कुछ संदेश? पहली बात बहुत खुशी हुई, अभी जैसा भोजपुरी का एक माहौल बना हुआ है, तरह तरह के बिना मतलब की बातें हो रही हैं, विवाद हो रहे हैं, उसमें इस फिल्म को देख के बड़ा हौसला बढ़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर का कि इन लोगों ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का कुछ कहना चाहेंगे? कमाल का सब कुछ, इसमें म्यूजिक भी कमाल का है, इसके राइटर जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, एक एक सीन को जिस तरह से जान डाल दी गई है इसमें, बहुत 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 ही शानदार फिल्म है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया और बहुत रुलाया फिल्म ने, और भोजपुरी फिल्मों में मैं तो आज तक इतना कभी नहीं रोया हूँ, और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए और भोजपुरी में ऐसी फिल्में और जितनी बनेंगी भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी ही आगे बढ़ेगी। तो मैं अवधेश मिश्रा जी और सारे फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संगीतकार, जितने लोग, जो भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और फिल्म बहुत बढ़िया है। थैंक यू हिल सगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि परिवार का अगर कोई एक बच्चा रास्ता भूल जाए तो पूरा परिवार को भूला नहीं कहते। अगर ये फिल्म आप लोग देखोगे तो बोलोगे कि भोजपुरी क्या है, सिर्फ भोजपुरी को बदनाम है, गलत बोलने सचा फिल्में कैसे बनती, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको ये फिल्म दादू आई लव यू देखना पड़ेगा। फेसबुक या सोशल मीडिया पे जाके आप रिव्यू से कोई मतलब नहीं, आप इसको थिएटर में जाके देखिए या जहाँ भी अवेलेबल है, तब आपको पता चलेगा कि फिल्म क्या होती है। मतलब क्या आपको पिक्चर देखिए क्या मतलब रिव्यू कैसे दोगे आप पिक्चर को, कितना पास में से कितना दोगे इसका? मेरे हिसाब से तो पिक्चर बहुत बढ़िया बनी है, सारे लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खासकर दादा पोते का जोड़ी तो कमाल का है और सब लोगों ने बहुत बढ़िया है, हम तो 100 में 100 देंगे। तो भोजपुरी की इस तरह का पहली फिल्म बना, तो आपको क्या लगता है कि दर्शक इसको, आप जैसे दर्शकों को अभी देखे, क्या ये इस तरह का फिल्म थिएटर में पब्लिक को लाने में सफल रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये सब अभी इसकी ही जरूरत है,
अभी जो भी फिल्में आ रही हैं ये सब्जेक्ट बिल्कुल लीक से अलग हट के है, एक सेंटिमेंट बेसिस में, कहीं से कोई नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ये सारे दर्शक लोग देखेंगे, जो भी अगर देखेगा तो उसका कहीं से कहीं ना कहीं से एक सेंटिमेंट तो जुड़ेगा ही। ये बहुत बढ़िया है, इस तरह की फिल्में बननी ही चाहिए। इस फिल्म में बहुत कुछ एक मतलब ये छोड़ा जो आपको इस तरह का करना चाहिए, इस तरह का आपको आई डोनेशन करना चाहिए, इस तरह का जो मैसेज है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस तरह का मैसेज फिल्म अगर भोजपुरी बने तो भोजपुरी का जो दर्शक है वो भी जागरूक हो सके? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हो सकता है, और मैसेज तो जानी ही चाहिए। आज हमारा जो विजुअल मीडिया है, फिल्म के माध्यम से अगर हम कोई मैसेज देते हैं, और खासकर ऐसे ये जो अभी सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल बहुत सही है, जरूरी भी है, और ये देना ही चाहिए। तो आप क्या कहेंगे सर, आपने भी देखे? सबसे पहले तो जो इसके राइटर हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिमाग की तारीफ देना, कि एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस समाज के लिए जिन्होंने आई डोनेट करने के लिए, अभी तक तो हमारे ख्याल से जो माने कि ये हिंदी हो चाहे भोजपुरी में, जहाँ तक मैंने देखा ये ऐसा नहीं है, तो ये समाज के लिए बहुत ही है कि आप अभी से आप रजिस्टर्ड कर लोगे, ठीक है, मरने के बाद जो है आपकी आंखें जो है किसी न किसी के द्वारा ये दुनिया को फिर से देख सकेगी। और फिल्म का बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा है, आदेश भैया ने जो था एक्टिंग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे ने भी काबिल तारीफ किया, इतना छोटा बच्चा को डायरेक्टर जो है उनको बहुत बहुत माने कि ये काबिल तारीफ की, एक बच्चे से इतना सुंदर एक्टिंग करवाना बच्चे से टफ है। क्या स्टार्ट हो गया आपको? कितना स्टार्ट हो गया? अभी तो ये समझिए कि 100% नहीं होता है, लेकिन 200% भी रहता है उससे ऊपर भी जाता है, लेकिन 100% है। अभी तक तो सुना था फिल्म के बारे में, लेकिन आज आपने पहली बार देखा होगा फिल्म, और उसमें आपका संगीत काफी ये था, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना प्रभावित किया फिल्म ने आपको, और क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म को लेकर? सबसे पहले तो आप लोग जो इस मीडिया को कवरेज करने के लिए आए हैं हमारे इवेंट्स को, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दादू आई लव यू एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणादायक फिल्म बनेगी, जो समाज को बहुत प्रेरणा देगी, और हमारे भोजपुरी के लिए एक माइलस्टोन बनेगी। गीत संगीत का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने इसमें कोशिश की कि लीक से हटके थोड़ा इसमें किया जाए, क्योंकि भोजपुरी को जिस तरह से लोग अश्लीलता की तरफ सब लोग इसको लेके जा रहे हैं, कि भोजपुरी को कहते ही लोग अश्लील गाने का कल्पना करने लगते हैं, तो हमने कोशिश किया कि इसको एकदम डिफरेंट टाइप का, माइंड ब्लोइंग टाइप का, इस टाइप का कुछ हम करें, इसमें संगीत बनाए, और काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया। हमारी टीम में मधुसूदन जी हमारे डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने काफ़ी डेडिकेटेड होकर हमारे साथ काम किया, और हमको जो भी चीज़ें इस चीज़ को बड़ा बनाने के लिए चाहिए था, सब चीज़ उन्होंने टाइम पर प्रोवाइड करवाया, तो मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा। सिंगर का नाम बताइए, कौन-कौन सिंगर है इसमें? सभी इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी, बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े गायक हैं इसमें। इतना तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं, लेकिन जो हमारे गाने के सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लगा, तो उसको हम लोगों ने किया। इस तरीके का नहीं किया कि एक पैटर्न बना हुआ तो यही गाएगा वही गाएगा, गाने को गाने का जो ग्लोरी सुनाया आपने, कोता को किसने गाया था याद है कुछ? चेक करो ना, वो अवधेश के ऊपर जो लोरी वो मैंने गाया था, और क्योंकि क्या है, शूटिंग के लिए मैंने जल्दी जल्दी में गा के भेजा, और उनको ये आवाज़ अच्छी लगी, तो मैं फिर से उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनको ये आवाज़ अच्छी लगी, तो मैंने मेरी आवाज़ में ही वो गाना है। भोजपुरी की और फिल्मों का म्यूजिक देते हैं, इसमें क्या कुछ खास कुछ म्यूजिक डाले हैं क्या, हारमोनिया दर्द बजाए हैं? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि स्टोरी बड़ा इसमें शानदार रहा, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं उनका बहुत बड़ा मतलब दिल से भी उन्होंने बहुत टॉप क्लास का काम किया, पैसे भी उन्होंने ढंग से प्रोवाइड किया, जहां 10 रुपये चाहिए थे वहां पे 15 रुपया उन्होंने दिया, तो सिर्फ पैसे का भी बहुत बड़ा अहम योगदान होता है गाने को बड़ा बनाने के लिए, जो जो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे चाहिए तो उन्होंने सब प्रोवाइड किया, तो सबका इसमें आभार है। मैं पूरा अच्छी फिल्म बनी है, अच्छा गाना बना है, तो सभी टीम के मेंबर्स को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।